पानी घुस गए अंदर। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना में पिछले दो दिनों से हो रही बढ़ोतरी के बाद गंगा का पानी लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर गया है और माँ गंगा ने हनुमान जी को नहला दिया। संगम किनारे स्थित पौराणिक महत्व के इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ ही समूचा मंदिर परिसर गंगा के पानी में डूब गया। मान्यताओं के मुताबिक जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचता है उस साल प्रयागराज में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति रहती है। पौराणिक महत्व वाला ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है। जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसी मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उधर जल स्तर में बढ़ोतरी होने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और लोग काफी परेशान हैं। आमतौर पर लोग बाढ़ के पानी का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। बाढ़ की तबाही के मंजर के बारे में सोचकर ही सिहर उठते हैं, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोग हर साल गंगा में इतनी बाढ़ का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिससे संगम किनारे बांध स्थित पौराणिक मान्यताओं वाला दुनिया का इकलौता लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर लोगों की इस बाढ़ में समा जाए। इसके लिए हर साल संगम पर लोग यज्ञ पूजा अर्चना के जरिए गंगा जी से हनुमान मंदिर तक जाने का प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ जल स्तर में लगातार वृद्धि के चलते गंगा यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। संगम समेत कई तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेनी बांध के नीचे पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। गृहस्थी बचाने की जद्दोजहद में संगम समेत अन्य तटीय इलाकों से देर रात तक हजारों लोगों का घर छोड़ना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने छत पर सामान शिफ्ट किया तो अनाज कपड़े व अन्य सामान लेकर लोग दिन भर रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाते रहे। नाग वासुकी दशाश्वमेध मंदिर के आसपास सैकड़ों झोपड़ियों के पास पानी आने से वहाँ के लोगों में हलचल मच गई और लोग परेशान दिखे। पीड़ित लोगों का कहना है कि सरकार अब उनकी मदद करे, क्योंकि कई सामान डूब गए हैं तो कुछ सामान सुरक्षित बचा लिया है। अचानक आए इस पानी से जब तक कोई भी कुछ समझ पाता तब तक बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल स्तर में और बढ़ोतरी होगी।